लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कर देना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कितना शोर, मेरा तो सर फट रहा है। I just can't stand it। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, क्यों बेकार में हॉल में जाकर बैठे और पैसा भी खर्च होता। पैसा बचा रहा हूँ, ऐसे बेकार संगीत को सुनेगा कौन। चलो रंगा। अरे निकलो आचार, तुम तो हर बात में खराबी ढूंढते हो, क्यों? क्या तुम इसे बांसुरी बजाना कहते हो? जानते हो ये पुन्नाग वराली है, यानी सांप का राग बजा रहा है ये, और इसमें दम होता तो अब तक कई नाग इसे घेर लेते। इसीलिए मैं कहता हूं कर्नाटक संगीत को मरे 100 साल हो गए। तुमने आज तक किसी के बारे में अच्छा कहा, हर किसी में कोई ना कोई खराबी निकालेगा ये। अरे संगीत में मैं, अरे इसको छोड़ो, आओ रंगा हम चाय पीते हैं। अरे चलो चलते हैं, बोलते जा रहा जैसे इसी को सब मालूम। सुनो, अरे भाई तुम लोग नाराज हो गए। देखो देखो, मुझे ना तो तुमसे दुश्मनी है और ना ही उन संगीतकारों से, मैं सिर्फ दूध को दूध और पानी को पानी कहने वाले में हूँ, और तुम्हें, तुम लोग जिसे संगीत समझते हो वो मेरे लिए बकवास है। देखा ना, फिर आ गया अपनी चाल पर। अपनी चाल नहीं, संगीत की। संगीत या तो अच्छा होता है या तो बुरा, बुरे और अच्छे के बीच में जो संगीत। हाँ हाँ अच्छा, मेरे बाप मान गए कि तुम महान संगीतकार हो। ठीक है, अब तो हमें अकेला छोड़ो, जाओ अपना काम कर लो। देखो अब तो तुम गुस्सा हो रहे हो, बात इतनी ही है कि जब तक तुम अच्छा संगीत नहीं सुनते कैसे समझोगे बुरा संगीत क्या है। ठीक कह रहा हूँ ना? तुम लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, बस संगीत के विषय में तुमसे थोड़ा ज्यादा मैं जानता हूं, और इसमें इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। और इसी बात का मुझे दुख है कि आजकल संगीत इतने नीचे गिरा है, और संगीत ही नहीं कला, हर प्रकार की कला। मैं सोच भी नहीं सकता कि कला इतने नीचे गिर सकती है कि ओहो ओहो। अच्छा अब छोड़ो, हमारा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने का हरगिज नहीं था, लेकिन तुम इतनी असंवेदनशीलता से बातें करते हो। मैं भी यही कहना चाहता था, हम सब आज इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि देखो ना, लोग जानते हैं कि मैं एक सेल्समैन हूँ, किसानों को फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बेचने वाला एक सेल्समैन। और हाँ, मुझे जैसा सेल्समैन भला संगीत के बारे में क्या जाने, यही तुम सोच रहे थे ना? अब छोड़ो भी। कैसे छोड़ू, छोड़ नहीं सकता। भूल जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता। वो यादें आज भी मेरी पीछा करती हैं और मुझे जीने नहीं देते। ऐसी कौन सी यादें हैं, जरा हम भी तो सुने। बहुत पुरानी बात है, मुझे भी संगीतकार बनने का शौक था। उसी खोज में एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक से मेरा परिचय हुआ। मैं भी बांसुरी वादक बनने वाला ही था, पर अफसोस, तुमने प्रसिद्ध बांसुरी वादक रामानुजा का नाम सुना होगा, तिरुमला वाले, नहीं? हाँ बहुत साल हो गए, मैं कुंभम में रहता था, यही मालगुड़ी से कई 80 मील दूर। गुरुदेव एक महान संगीतकार थे, कुंभम में कोई भी उनका नाम नहीं जानता, अगर जानता भी हो तो नाम से नहीं बुलाता, सब लोग उन्हें बड़े सम्मान से गुरुदेव कहकर बुलाते थे। जब गुरुदेव बांसुरी बजाते थे तो गांव की सारी गायें उसे सुनते सुनते वहीं के वहीं खड़ी हो जाती,
नाम पैसा सब गुरुदेव के लिए तृणमात्र था। उन्होंने कभी कुंभम के बाहर अपनी बांसुरी नहीं बजाई। वो गांव के मंदिर में बांसुरी बजाते थे और भक्तों से जो कुछ भी दान मिलता उसी में खुश रहते थे, और गांव वालों ने भी उन्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। गुरुदेव, आप बांसुरी बहुत मधुर बजाते हैं। आपकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर मेरी गाय ज़्यादा दूध देने लगी है, इसीलिए आपके लिए कुछ दूध लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। सब भगवान की कृपा है। प्रणाम गुरुदेव, आपकी बांसुरी में जादू है। मेरा बेटा बीमार रहता था, आपकी बांसुरी सुन के वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आपके संगीत में शांति है गुरुदेव, जो भी उसे सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं गुरुदेव। कर्नाटक संगीत को जो भी दिल से बजाएगा उसे सुनकर सब लोगों की मन को शांति मिलती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सारे पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है, और पेड़ पौधे भी ज्यादा फल देने लगते हैं। सही कहा आपने। प्रणाम गुरुदेव। बस मेरे लिए इतना काफी है, इसे किसी और को दे देना। भगवान की कृपा है जो गुरुदेव इस मंदिर में बांसुरी बजाते हैं। इनके कारण कई लोग भगवान के दर्शन भी लेते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो छोटा सा यह मंडप बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। मैं उस समय केवल 12 साल का एक अनाथ बच्चा था। मेरी इच्छा थी कि बांसुरी सीखूंगा तो केवल गुरुदेव से। आओ बेटे, अंदर आओ। कौन हो तुम, क्या चाहिए? गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे आपकी बांसुरी सुनना अच्छा लगता है। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आप मुझे संगीत सिखाएंगे ना गुरुदेव? लेकिन बेटे, संगीत कभी किसी की इच्छा पर सिखाया नहीं जा सकता है, इसके लिए मन लगाकर साधना करनी पड़ती है। गुरुदेव, मैं अपना पूरा मन लगाकर साधना करूंगा। आप मुझे सिर्फ एक बार मौका दीजिए बस। ठीक है बेटे, तुम यहाँ रह सकते हो। ये फल उस आदमी को देना। याद रखो, हमेशा भूखे को खाना खिलाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटे? नहीं नहीं, जाओ अपना काम करो। गुरुदेव, आपकी सेवा करने से मुझे आनंद मिलता है। संगीत सीखने के लिए गुरुदेव के घर का वातावरण ही काफी था। उनके व्यक्तित्व में एक अनोखी बात थी। गुरुदेव से एक महीना बांसुरी सीखना किसी और के यहाँ एक साल सीखने के बराबर था। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे संगीत सिखाया। कभी अकेले जंगल में तो कभी गुरुदेव के निर्देशन में मैंने बांसुरी बजाना सीखा।
और इतना अच्छा बजाने लगा कि लोग कहते थे कि मैं भी गुरुदेव की तरह ही बांसुरी बजाता। बीस साल की लंबी शिक्षा के बाद गुरुदेव ने कहा, बस एक साल और। एक साल और गुरुदेव? हाँ, इसके बाद तुम जाकर लोगों के सामने बजा सकते हो। अब तुम बांसुरी बजाना अच्छी तरह सीख लिए हो। गुरुदेव, आपके संगीत को प्रसिद्ध करना ही मेरी जीवन की आशा है। अब मैं आपके संगीत को देश के कोने कोने में सुनाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव के घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में मैं रहने लगा। हर दिन देर रात तक बैठकर अभ्यास करता। कौन है? मैं साधु, क्या एक मुट्ठी चावल मिलेगा इतनी रात को? अरे जाओ जाओ, मुझे तंग मत करो। भूख समय देखकर नहीं लगती बेटा, समझे? अरे भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं स्वयं अपने गुरुदेव की दान दक्षिणा पर जी रहा हूँ। जाओ जाओ। क्या तुम इस साधु को एक आना भी नहीं दे सकते? मैं बहुत दूर काशी रामेश्वर के तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। अरे चुप भी कर, मुझे तंग मत करो, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हारी बांसुरी में अत्यंत पवित्रता है। ठीक है, अगर तुम मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे तुम्हारी बांसुरी सुनने से इनकार मत करो, मैं उसी से अपना पेट भर लूंगा। अरे कहा ना मैंने, मैं जब अभ्यास करता हूँ किसी का आना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आओ और मेरा सर मत खाओ, नहीं तो धक्का मारकर निकालना पड़ेगा। ना 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 ना, गुस्सा मत हो, मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। किंतु एक बात याद रख, आज तेरे संगीत का अंतिम दिन है, कल तू एक मुट्ठी चावल के लिए अपनी बांसुरी दे देगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, धमकी दे रहा। आज तेरे संगीत का अंतिम दिन है, कल तू एक मुट्ठी चावल के लिए अपनी बांसुरी दे देगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आज तेरे संगीत का अंतिम दिन है, कल तू एक मुट्ठी चावल के लिए अपनी बांसुरी दे देगा। हे भगवान, घर आए हुए साधु को मैंने लौटा दिया, मुझे क्षमा कर। मैं क्या करता, मैं अभ्यास कर रहा था, मुझे उस साधु के शाप से मुक्त कर ताकि मैं बांसुरी बजाकर दुनिया में अपना नाम कमाऊं।
नागराजा, तू तो भगवान है, तब तू मुझे मार भी दे तो कोई बात नहीं, मगर मैं अब थक गया हूँ, अब मुझमें बांसुरी बजाने की कोई शक्ति नहीं। फिर क्या हुआ बताओ ना, तुम्हारा संगीतकार बनने का सपना कैसे टूटा? क्या साधु का श्राप तुम पर पड़ा? संगीत चाहे कितना भी अच्छा हो, बार बार बजाने से उसकी आत्मा मर जाती है। आज भी उस रात को याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। क्या हुआ, बीच में क्यों रुक दिया? अरे भाई कुछ तो कहो, पूरी कहानी तो सुनाओ। अगले दिन जाकर गुरुदेव से मैंने सब कुछ बता दिया। बेटे ये क्या किया तुमने, तुम तो बांसुरी की कला में विद्वान होने जा रहे थे, परंतु तुम इंसानियत की कला में अभी भी पीछे हो। आज तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो गई। अरे सबसे पहले तो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन में कोई भी काम अच्छी तरह से तुम कर पाओगे। तुमने हमेशा शीघ्रता से काम लिया, मेरे बातों को कभी ध्यान से नहीं सुना। मैंने कितनी बार कहा था कि किसी भी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना, और हां मैंने तुमसे कई बार कहा था कि रात के समय में सांप का राग कभी मत बजाना, लेकिन तुमने नहीं सुना। फेंक दो इस बांसुरी को, अब यह तुम्हारे लिए केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर तुमने इसे फिर से बजाने की कोशिश की तो सांप तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए गुरुदेव, बताइए मैं क्या करूं, मैं इसका पश्चाताप करने तैयार हूं। दया कीजिए गुरुदेव, दया कीजिए। नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। इतने कठोर मत बनिए गुरुदेव, इतने कठोर मत बनिए, मैं अपने कला के लिए कुछ भी करने तैयार हूं। मेरे जीवन का सपना ये बांसुरी ही तो है, इसे मुझसे छीन मत लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। जाओ साधु को ढूंढो, उसे क्षमा मांगो, तभी तुम फिर से बांसुरी बजा सकोगे। और संगीत के बारे में मैंने कुछ कहा तो बुरा मानते हो? मैं उस दिन से आज तक उस साधु के खोज में हूं जिसे। क्या यही वो? नहीं नहीं ये नहीं,